स्वागत विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन ने संबोधित करया। वे विश्व कल्याण खातर सबरी भागीदारी रो आह्वान करता थका कया कि माने आपरा कर्तव्य ने निभावनो वेला। प्रधानमंत्री कया कि प्रकृति रो अंधाधुंध दोहन करो गयो है जिन रो मास्तव ने नुकसान भुगतनो पड़ रो है। वे बताया कि 13 देशा रा साथ मिलर पर्यावरण रा बचाव रे खातर काम करो जा रो है। हमने मिलकर ग्रीन डेवलपमेंट पैक पर सहमति बनाई, हमने लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत तय किए, हमने वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने अल्टरनेट फ्यूल्स के लिए हाइड्रोजन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी लॉन्च किया। हम मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट को बिलियन से बढ़ाकर कई ट्रिलियन तक ले जाने की आवश्यकता है। साथियों, ग्लासगो में भारत ने आइलैंड स्टेट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। भारत 13 देशों में इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ग्लासगो में ही मैंने मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन आपके सामने रखा था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्टडी कहती है कि इस अप्रोच से हम 2030 तक प्रति वर्ष 2 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट, प्रो एक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह है कि आयुर्वेद जीवन का विज्ञान ने समझावा है। उपराष्ट्रपति आज तिरुवनंतपुरम रमाए वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव और उद्घाटन जलसा में बोल रहा है। वे कहा कि केंद्र राज्य सरकार आयुर्वेद ने बढ़ाव दे रही है। And the therapeutic principle of Ayurveda, such a treasure which is with us for thousands of years, it is so satisfying to note its relevance is now being discovered. All steps are being taken by the governments at center and state to promote it. This is our own wisdom, our wisdom that has evolved over centuries by people who knew it in and out. Ayurveda is often referred to as the science of life, and I emphasize it is the only science of life. This allows you to be one complete whole. It allows you to fully exploit your mind and body. It keeps your soul, mind and body together in a mode of performance. There is no doubt. राजस्थान समेत 5 राज्यों में मतदान रह पछे गुरुवार सिंजा एग्जिट पोल का नतीजा भी सामा गया। इंडमाय मध्य प्रदेश में भाजपा ने बढ़त मिलती नजर आ रही है, वठे कांग्रेस भी सत्ता संघर्ष में घनी करीब है। राजस्थान की 200 सीटा में से 199 माथविया चुनाव रे पछे न्यारा न्यारा एग्जिट पोल में भाजपा ने बजट बढ़त मिल रही है, जबकि कांग्रेस अठे पिछड़ती नजर आ रही है। वठी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फेरू सत्ता रे करीब बताया जा रही है। इंडे अलावा तेलंगाना में एग्जिट पोल सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रही है।
मिजोरम में एमएनएफ ने 32 सीटें मिल रही है। पांच राज्यों में मतदान के बाद अब गुरुवार शाम को एग्जिट पोल के परिणाम भी आ गए। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश 230 सदस्य विधानसभा पर आए विभिन्न एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता संघर्ष में काफी करीब है। वहीं अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हुए थे। विभिन्न एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त वहां भी मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो विभिन्न एग्जिट पोल में कांग्रेस को फिर से सत्ता के नजदीक बताया गया है, वहीं भाजपा सत्ता संघर्ष में थोड़ा पीछे इसमें नजर आई है। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां पर आए विभिन्न एग्जिट पोल राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को सत्ता मिल सकती है तो बीआरएस उससे थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है। वहीं मिजोरम की अगर बात करें तो वहां पर आए विभिन्न एग्जिट पोल में एमएनएफ को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है, तो वहीं आपको बता दें कि जेडपीएम दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। राजस्थान रमाया बारहवीं विधानसभा चुनाव में कई सीटा मत है, त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबलो देखने मिलती है। अठे बागी और निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस और भाजपा की परेशानी बढ़ा दिया है। 16वीं विधानसभा इंटरपटा में गणना 3 दिसंबर को होगी, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं यदि चुनावी समीकरणों पर नजर डालें तो लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला भी है और कई ऐसी सीटें भी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बागी प्रत्याशी मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं। कुछ सीटों पर क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवार भी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश की कुछ सीटों पर कहां कहां त्रिकोणीय मुकाबला है। सवाई माधोपुर त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में हॉट सीट बनी हुई है। यहां भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरणलाल मीणा, कांग्रेस से विधायक दानिश अबरार और तीसरे प्रत्याशी के रूप में भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ी निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा मैदान में है। सवाई माधोपुर से भाजपा की बागी आशा मीणा त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। चित्तौड़गढ़ से भाजपा के बागी चंद्रभान सिंह आक्या मुकाबले में हैं। नागौर से भाजपा के बागी हबीबुर रहमान त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। चौरासी से भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक राजकुमार रोत भी मुकाबले में हैं। बसेड़ी से मौजूदा विधायक और कांग्रेस से बागी खिलाड़ी लाल बैरवा मुकाबले में हैं। भरतपुर से कांग्रेस के बागी गिरीश चौधरी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है। शाहपुरा से आलोक बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कड़े मुकाबले में हैं। जेतरण से दिलीप चौधरी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है। खींवसर विधानसभा सीट से कांग्रेस से तेजपाल मिर्धा, बीजेपी से रेवत राम डांगा और आरएलपी से हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में हैं, तो कुल मिलाकर यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं चतुष्कोणीय मुकाबला किन किन सीटों पर है। शिव सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस के बागी फतेह खान और भाजपा के बागी रविंद्र सिंह भाटी कड़े मुकाबले में हैं। उदयपुर वाटी, यहां शिवसेना प्रत्याशी और मौजूदा विधायक राजेंद्र गुढ़ा और बसपा प्रत्याशी संदीप सैनी चतुष्कोणीय मुकाबले में हैं। बस्सी पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी अंजू धानका और भाजपा के बागी जितेंद्र मीणा ने मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाया है। राजस्थान में चुनावों के बाद मतगणना को लेकर बहुत गहमा गहमी का माहौल है। जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन सभी नेताओं को त्रिकोणीय मुकाबले में जो बागी हुए थे उनका बहुत डर सता रहा है। तकरीबन 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और उसके अलावा 3 जो सीटें हैं जहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से दोनों ही पार्टी के दल या नेता लोग, जो विरोधी नेता थे या उसके अलावा जो अपने बागी नेता थे, उनसे बहुत परेशान थे, तो कुल मिलाकर आने वाले समय में ये देखने को मिल सकता है कि जो उनके अपने बागी नेता थे वो कुछ काफ़ी नुकसान पहुंचाते हुए दिख सकते हैं। और इसके अलावा जो निर्दलीय हैं, निर्दलीय भी कहीं कुछ, जब इस काउंटिंग में अगर रिजल्ट आएगा तो उसमें निर्दलीयों की अहम भूमिका देखने को मिलेगी। जयपुर से डीडी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद अतीक। प्रदेश में 25 नवंबर ने मतदान पूर्व व्यापार पछे अब 3 दिसंबर ने वोटर गिनती करी जावला। निर्वाचन महकमो वोटर गिनती खाता तैयारियां
पूरी कर ली रो है। मतगणना खातर मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता जरूरी दिशा निर्देश जारी कर जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा कर लिया गया। अनुमति भी भारत निर्वाचन आयोग से सभी जिला निर्वाचन अधिकारी 33 के यहाँ प्राप्त हो गई है। सेंट्रलाइज मतगणना होगी जिला हेडक्वार्टर पे सभी 199 विधानसभा पर, और इस तरह से अगर सेंटर्स देखा जाए तो एक ही आते में है लेकिन 36 सेंटर्स हो गए, कुछ बिल्डिंग्स अलग अलग हैं और प्रत्येक विधानसभा की अलग से कमरे डिसाइडेड हैं और 2538 टेबल लाइन लगाई गई हैं काउंटिंग टेबल्स। साथ में जो 979 पोस्टल बैलेट के लिए भी टेबल्स लगाई गई हैं, साथ में 1121 अगर करणपुर को छोड़ देते हैं ये आरओज भी नियुक्त किए गए हैं जो मतगणना के लिए आरओज का सहयोग करेंगे। जयपुर जिला रे 19 विधानसभा सीटा की मतगणना जेएलएन बारगुरा राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में 3 दिसंबर ने सवार 8 बजे से शुरू वेला। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित मुजब निर्वाचन विभाग मतगणना की स्थगली तैयारियां पूरी कर लीनो है। इन खातर मतगणना करवाला कर्मचारियों ने जयपुर बीएम बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रशिक्षण दियो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मिला, राज्यपाल से वारिया शिष्टाचार भेंट ही। भाजपा रा पहलियाड़ा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज बांसवाड़ा जिला रा दौरा माला है। 8 शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करया। इनसु पहली बांसवाड़ा पुगबारे पछे भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल और पहलियाड़ा मंत्री सुशील कटारा समेत कई भाजपा उम्मीदवार और पदाधिकारी वारो सत्कार करया। इन मौके पर कहा कि राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बढ़ावा जारी है। कानून व्यवस्था खराब थी, किसान जमीनों की नीलामी से त्रस्त थे, नौजवान पेपर लीक से त्रस्त थे, भ्रष्टाचार के कारण लोगों के मन में एक आक्रोश था। कुल मिलाकर राजस्थान में 5 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा और इसी अराजकता के खिलाफ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए बटन दबाया। आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रही है। हर बरस एड्स रोग खातर जाग जगा वास्ते विश्व भर में 1 दिसंबर ने यह दिवस मनाया जावा है। अब कई भी प्रदेश भर में इन मौके कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। एड्स रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल बताया कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जरिए भारत में एड्स रोग खातर जाग जगाई जा रही है। वर्ल्ड एड्स डे हर साल हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। लगभग 35 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी और हर वर्ष एड्स दिवस की एक कोई थीम को लेकर, ये थीम WHO द्वारा दी जाती है और पूरे विश्व में इस तरह का वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी कि जिससे हम एड्स के बारे में पब्लिक को अवेयर कर सकें और एक माहौल बना सकें ताकि जो विभिन्न देशों की सरकारें हैं वो एड्स की गंभीरता को समझें और इसको रोकने के लिए उपाय उठाएँ। तो 35 वर्षों का परिणाम ये है कि अब धीरे धीरे लोगों में एड्स के बारे में जागृति आई है। सरकारों ने, कई देशों की सरकारों ने, भारत सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया। हमारे यहाँ इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1985 में और उसके बाद से उत्तरोत्तर ये प्रोग्राम चल रहा है और इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। तो वर्ल्ड एड्स डे जो इस बार का है उसकी थीम है रिमेम्बरेंस एंड कमिट। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे जो HIV से पीड़ित व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनको हम इस साल याद कर रहे हैं और अपने आप को कमिट कर रहे हैं HIV जो डिजीज़ है इसके खात्मे के लिए, ताकि इसको हम इस सदी में संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकें और इसका खात्मा कर सकें। हमारे एड्स दिवस की पूर्व संध्या मौके सीकर में कैंडल मार्च काढ़ो गयो। जलूस के दौरान HIV संक्रमण न लेर सावचेत रहो संदेश दियो गयो। इन दौरान नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र दाधीश डॉक्टर दर्शन भार्गव सबे दूजा कर्मचारी मौजूद रहा। वो एड्स विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी पूर्व संध्या पर हमारे SK हॉस्पिटल में आज एक जागरूकता रैली निकाली गई जिसका मुख्य उद्देश्य आम पब्लिक को एड्स के प्रति जागरूक करना और आम पब्लिक को ये बताना किन किन कारणों से एड्स फैल सकता है और किन किन कारणों से नहीं फैलता। जैसे कुछ भ्रांतियाँ होती है कि एड्स किससे फैलता है,
एड्स हमेशा अनसुरक्षित जो यौन संबंध होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और नीडल प्रिकिंग अगर एड्स के पेशेंट को हेल्दी स्वस्थ पेशेंट में होता है तो एड्स नहीं फैलता है। पास बैठने से, बातें करने से, साथ खाना खाने से, इन चीज़ों से एड्स नहीं फैलता है, तो आप घबराए नहीं। किसी भी कारणवश अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से पीड़ित होता है तो हर हॉस्पिटल में आईसीटीसी सेंटर होता है, वहां पे जाके अपनी जांच करवाएं। झुंझुनू में भी एड्स दिवस रे मौके नर्सिंग कर्मचारी जागरूकता रैली काढ़िया। रैली सपाखाना सो सरू वेर खास खास गैला सो व्यती भी जिला कलेक्ट्रेट पुकी आ लोगा ने जागरूक करियो गयो। रैली ने सपाखाना रा पीएमओ डॉक्टर कमलेश झांझड़िया हरी झंडी दिखा रवाना कराया। डॉक्टर कमलेश बताया कि इन बगत इन बीमारी रो असर कम करवा खातर कई दवाया मौजूद है। वो सामा स्टाफ को भी मैं बधाई देना चाहूँगा जो लगातार उस कार्य से जुड़े हुए लोगों को भी, और आम जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अगर इससे संबंधित कोई लक्षण आए तो इन प्रवासी आकर यहाँ पे जांच करवाएं और अपना इलाज करवाएं। राजकीय बीडीकी अस्पताल से लेकर और जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के ऑफिस तक हमने रैली का आयोजन किया और इसमें हमारा ध्येय यही था कि हम समाज के एक बड़े से बड़े तबके को एड्स के बारे में जागरूक करें जिससे कि वो इस महामारी से ग्रस्त ना हो और इस बीमारी से बचे रहे। विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर और हमने आज एड्स के लिए यहाँ से रैली निकाली है झुंझुनू खेतान हॉस्पिटल से लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक। राजस्थान अपनी कला संस्कृति ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन खातर खासी पिछाण रखे है। राजस्थान रमाए पर्यटन रो मौसम शुरू वह चुक्यो है। हर बरस री भांत इन बरस भी घनी संख्या में देसी विदेशी सैलानी राजस्थान रा नारा नारा शहरा में पूग रिया है। जयपुर या पर्यटक स्थला बात है घनी संख्या में सैलानिया री आवाजाही देखी जा रही है। करीबन 12 से 15,000 टूरिस्ट हैं आमेर में आ रहे हैं, 6 से 7,000 हवा महल में आ रहे हैं, 6 से 7,000 ही जंतर मंतर में आ रहे हैं और 5 से 6,000 हमारे अल्बर्ट हॉल में आ रहे हैं। टोटल प्रतिदिन जो है 30 से 40,000 पर्यटक हमारे जयपुर के स्मारक और संग्रहालयों पे आ रहे हैं। राजस्थान के जितने भी हमारे संग्रहालय हैं और जो मोनूमेंट्स हैं उनको हम अपडेट भी कर रहे हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित भी रख रहे हैं। टूरिस्ट को जो बेसिक फैसिलिटी प्राप्त होनी चाहिए वो भी हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि सफाई पे विशेष ध्यान फोकस किया हुआ है हमने कि सभी संग्रहालय सभी स्मारक जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे ताकि एक अच्छा संदेश लेकर टूरिस्ट अपने घर जाए। जंतर मंतर देखिए 1728 में महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड ने एस्ट्रोलॉजी को बढ़ाने के लिए ये 5 जंतर मंतर हमारे इंडिया में बनाए हैं और इनमें से जो वर्किंग जंतर मंतर है हमारा जयपुर का है। अभी हमने हवा महल देखा, वो भी बहुत पिटी था। हमें पता चला कि कैसे रानियाँ राजा के प्रोसेशंस को देखती थी ऑफ फ्रॉम द विंडोज और कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़ा पहनते थे ये सब। और अभी हम आए हैं इधर जंतर मंतर में, हमें मालूम पड़ा कि कैसे टाइम देखते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड्स बिगेस्ट आई थिंक वर्ल्ड डायल है, टाइम डायल है, और कैसे आपका राशि जानते हैं और ये सब। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत प्रिटी है। आज हम यहाँ पे आए हैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम और आज सारा जयपुर घूमने का मन है। हवा महल देखेंगे और आमेर फोर्ट जो कि यहाँ बहुत मशहूर है, तो ये सब देखना है और ये बहुत ही खूबसूरत है सारा। राजस्थान में सितंबर माह से ही पर्यटक सीजन शुरू हो जाता है जो कि अप्रैल माह तक चलता है। पर्यटक विभाग के अनुसार पिछले वर्ष करीबन 10 करोड़ भारतीय पर्यटक राजस्थान पहुंचे थे। इस वर्ष भी देखा जा रहा है कि जयपुर के विभिन्न पर्यटक स्थल जैसे कि हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल में बहुत संख्या में पर्यटक पहुंच चुके हैं और आगे भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जयपुर जवाहर कला केंद्र में 7 दिनातानी चल पड़ा थिएटर फेस्टिवल जयरंगम रो 10 दिसंबर स्वागत वेला आपके जयरंगम हबीब तनवीर ने समर्पित वेला इन उत्सव कई राष्ट्रां रा 500 कलाकार नाटका ने जरिए प्रस्तुति दी वेला। राजस्थान सु 6 नाटक शामिल कराया गया है। ऑब्जेक्टिव रख के वी हैव आल्सो ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट मोर टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, बीट म्यूजिक, बीट फिल्म्स, बी इट
पेंटिंग्स एंड आर्ट. सो इस बार का जयरंगम हबीब जी को डेडिकेटेड है क्योंकि ये उनका 100th एनिवर्सरी ईयर है. अलॉन्ग विद दैट हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है स्पॉटलाइट, जहां हम जो युवा पीढ़ी है जो थिएटर कर रहे हैं हम उन्हें स्टेज देने का कोशिश कर रहे हैं. एंड हमारे पास काफ़ी अलग अलग तरह के प्लेज आए हैं थ्रू आउट द कंट्री, तो उनमें से जो 7 वॉइसेज हमें लगा बहुत इम्पॉर्टेंट है उनका आयोजन होगा. जयपुर रा एक विद्यालय री 80वीं एथलेटिक मीट रो रंगारंग समापन वैग्यो कार्यक्रम रा खास पावना मेजर जनरल राय सिंह गोदारा रो विद्यालय री छात्रावा सत्कार करे विजयी छात्राओं ना पदक दिया गया. कार्यक्रम रमाए 232 छात्रावा भात भात रा योगासन कर शारीरिक संतुलन रो प्रदर्शन करे. खास पावना मेजर गोदारा छात्रावा ना संबोधित करता थका सदा चोखो प्रदर्शन करवा खातर प्रेरित करया. बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि आगे जा कर के हमारे जयपुर का राजस्थान का इंडिया का नाम रोशन करें. हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर लड़की किसी न किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी रहे, किसी न कोई एक स्पोर्ट या फिर कोई ड्रिल या किसी तरह की रेस हो, थ्रोज हो, जंप्स में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें. तो करीब 1200 लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. मुझे बहुत खुशी है कि हमारी लड़कियां फिज़िकली बहुत एक्टिव हैं और ये बहुत ज़रूरी है आगे उनके ग्रोथ के लिए कि एक जो उनको स्पोर्ट्स जो उनको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाता है, करेज देता है और ये सिखाता है कि ज़िंदगी में कोई भी बाधा आए तो उससे किस तरह से सामना करना. काफ़ी इवेंट्स कराए जा रहे हैं, आज भी योगा डिस्प्ले हुआ है, ताइक्वांडो डिस्प्ले हुआ है आज उसी के साथ, और एनसीसी का बहुत ही अच्छा ड्रामा प्रस्तुत किया गया है हमारी विद्यालय की विद्यार्थियों के द्वारा. भरतपुर में महारानी किशोरी व्यायामशाला कालीसू महिला कुश्ती दंगल राख्यो जा रही है. कुश्ती दंगल रमाए महिला पहलवान अपरा दाव पेचा सु देखभाला ने रोमांचित कर लिया है. इन दंगल में भरतपुर के अलावा राजस्थान का कई जिला, यूपी और हरियाणा से भी कई पहलवान शामिल हो रही है. जो महिला पहलवान आती है वो राजस्थान केसरी में ही भाग लेंगी. भरतपुर जिले की महिला पहलवान भरतपुर जिले में ही भाग लेगी जिसको जिला केसरी का खिताब मिलता है. और आज इस दंगल में पूरे देश से हस्तनापुर जहाँ कृष्ण की कीला स्थली और उसका वो बताते हैं कृष्ण जी की, वहाँ से भी अपने कोच के साथ 7 लड़कियाँ आई हैं जो इंटरनेशनल लड़कियाँ हैं. और आज इस दंगल में मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी धर्म और सभी जाति की लड़कियों ने भाग लिया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथो T20 क्रिकेट मैच आज रायपुर में खेलो जा वाला. 5 मैच वाली सीरीज में भारत फिलहाल 2-1 सु बढ़त बना रखियो है. टीम इंडिया इन सीरीज वाला कब्जो कर पारी मंशा सु आज मैदान में उतरेला. प्रदेश में जाड़ा रो असर तेज वैबा लाग्यो है. लाडला 24 घंटा रे दौरान सेली भाड़ रुकवा सु लोगों ने जाड़ा सु थोड़ी घनी राहत मिली है. बठई पारा में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज करेगी है. आज सीकर जिला रा फतेहपुर में भी रात रा तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है. दूजी कानी राज्य रा कई हल्का रमाए आज भी कोरो मंडोरियो जंड कारण गाड़िया री आवाजाही में घनी परेशानी रो सामो करनो पड़ रियो है. झालावाड़ जिला में भी जाड़ा रो असर बनेड़ो है. आज सुमारे सु ही कई खेतरा में अठे बूंदाबांदी भी है. काश्तकार ने फसला खातर फायदेमंद बता रिया है. अरब एक खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन ने कर संबोधित किया. विश्व कल्याण खाता सबरी भागीदारी है जरूरी. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन जलसा ने कर संबोधित. आयुर्वेद समझावे है जीवन रो विज्ञान. राजस्थान समेत 5 राज्यों में मतदान रपचे एग्जिट पोल रा नतीजा या समय
राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा ने, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मिल रही है बढ़त। प्रदेश में 3 दिसंबर ने वैबाड़ी मतगणना की तैयारियां करी जा रही है पूरी। मतदान कर्मचारी ने दियो जारियो है प्रशिक्षण। और विश्व एड दिवस आज, प्रदेश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम, लोगों में जगाई जा रही है जाग। इंडस्ट्री यह बुलेटिन अठाई पुरुषा, नमस्कार।